हाय फ्रेंड्स, मु नर सिंह। मो यूट्यूब चैनल सिने टीवी ओडिशा रे आपन समस्तंकु बहुत बहुत स्वागत। तो फ्रेंड्स, आज आम यही वीडियो रे डिस्कशन करिबा किछि मोस्ट इंपोर्टेंट इंग्लिश पेडागोजी क्वेश्चन उपरे, जहाँ कि आप मानर ओटीटी एग्जाम 2022-23 पाई मोस्ट इंपोर्टेंट रहबो। ता सहित जेटी, सीएचटी, एसएसटी एंड ओएसटीटी एग्जाम पाई मते इंपोर्टेंट रहबो। आपन समस्त टीचिंग एग्जाम रे हमरो इंग्लिश पेडागोजी आसे, सीएचटी एग्जाम रे मते आप मानकर इंग्लिश पेडागोजी आसुची। तो समस्त एग्जाम पाई इंपोर्टेंट रहबो। आपन ओटीटी एग्जाम खूब शीघ्र हेबा को जाउची, नवंबर मास फर्स्ट वीक रे किंबा एई अक्टोबर मास शेष सुधा आप मानकर एग्जाम कंडक्ट करा जिवो। सेति पे आपन पाखरे केवल मिनिमम ओनली मैक्सिमम वन मंथ रही, केवल मासे भितर आप एग्जाम कंडक्ट होती। आप प्रिपरेशन जोरदार करूँ, जहाँ आप आराम से ओटीटी क्वालिफाई कला परे जेटी एलिजिबल हो पारे। तो देखिए आप आउट ऑफ 20 केते स्कोर रखुच्च, टोटल 20 क्वेश्चन डिस्कशन करवा। तो 20 रु केते मार्क रखुच्च कमेंट बॉक्स रे निहाती भावे जनइबे। तो फर्स्ट क्वेश्चन रही आप द कैटेगरी वाइज एक्शन वर्ब्स लिस्ट वाज डेवलप्ड बाय। तो कैटेगरी वाइज एक्शन वर्ब्स लिस्ट को किए डेवलप करिछंती बीएस ब्लूम, आरसीपी, आरसीएम अप्रोच, रॉबर्ट मागर, रॉबर्ट मिलर। तो कैटेगरी वाइज एक्शन वर्ब लिस्ट को डेवलप करिछंती किए ना बीएस ब्लूम। तो आमर जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी अछि से भितरु एक क्वेश्चन टा आसीछि। तो जो माने ए टिक करिछंती एक मार्क एड करिनेबे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड नंबर क्वेश्चन रहि जापान पई द डिटेल्ड एंड केयरफुली टेक्निक ऑफ रीडिंग ए टेक्स्ट इज नोन एज। तो आम जेको जिनस को डिटेल्स पढ़ुंटी एवं केयरफुल ध्यान सहकारे आम जब टेक्निक आम पढ़ुंटे से प्रकार रीडिंग रे जब पढ़ुंटा कौ थे जा रीडिंग रे कौ थे जा स्किमिंग रे ना स्कैनिंग रे ना एक्सटेंसिव ना इंटेंसिव। तो देखो जेको जिनस को आम डिटेल पढ़ुंट डीपली पढ़ुंटी केयरफुली पढ़ुंट टेक्निक पढ़ुंटे से कौन ना इंटेंसिव रीडिंग रे जाउची तात्विक पठन, जहाँ उड़िया कह जाए तात्विक पठन। तो ऑप्शन नंबर सी जो मैंने टिक कर एक मार्क एड करे। नेक्स्ट क्वेश्चन रही देर सुड बी ए वार्ड बैंक इन एवरी प्राइमरी स्कूल बिकॉज़ इट हेल्प्स बिल्ड अप डेस। तो से कही प्रत्येक प्राइमरी स्कूल रे आमर वार्ड बैंक रहुची कौन पाई कौन आमर पिला कौन बिल्डअप करने कौन साहय कर पिला कनसेप्शन ना भोकाबुलरी ना राइटिंग स्किल ना रीडिंग रीडिनेस। तो वार्ड बैंक आम रोज प्रति प्राइमरी स्कूल रे पिला भोकाबुलरी शब्द भंडार भोकाबुलरी को बिल्डअप करने। तो ऑप्शन नंबर बी हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच लैंग्वेज स्किल्स आर रिसेप्टिव। तो एग्जाम पाई मोस्ट इंपोर्टेंट आपण माने सीटेड एग्जाम रे बहुत बार आसी ओटीटी रे आसी ओटीटी एग्जाम रे मते आपण माने आसी रिसेप्टिव आ प्रोडक्टिव ए दुटा स्किल उपर क्वेश्चन आसुची। तो पचार कौ दुटा आमर रिसेप्टिव स्किल से पचार। तो लैंग्वेज रे आम चारटा स्किल आमर चारिटा स्किल अछि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, से भितर कौटा रिसेप्टिव स्किल रे जाउची। तो आमर चारिटा ऑप्शन रही ऑप्शन ऑलरेडी देखि सारिछथि। तो रिसेप्टिव स्किल रे जाउछ कोटा ना लिसनिंग आउ रीडिंग होची आमर रिसेप्टिव स्किल। आ प्रोडक्टिव स्किल रे कोडा जाउछ ना स्पीकिंग एंड राइटिंग होची प्रोडक्टिव स्किल। आउ लिसनिंग आउ रीडिंग होची रिसेप्टिव स्किल। तो ऑप्शन नंबर सेकंड होची करेक्ट आंसर, लिसनिंग एंड रीडिंग इज रिसेप्टिव स्किल, जहाँकि जहाद्वारा आम जेको जिनस को आम रिसीव करंडरस्टाडिंग बुझीपार। नेक्स्ट क्वेश्चन रही ग्रामर ट्रांसलेसन मेथड इज अल्सो कॉल्ड। ग्रामर ट्रांसलेसन मेथड को आउ कौन कह जाए मॉडर्न मेथड ना ओल्ड ना नेचुरल ना ओराल। तो देखो तो ग्रामर ट्रांसलेसन मेथड एवं ना पूर्व चलता पुणा मेथड ताको आम क्लासिकाल मेथड कह क्लासिकाल मेथड कि ओल्ड मेथड। ग्रामर ट्रांसलेसन मेथड आमर 1600 शताब्दी में चली आमर ओल्ड मेथड थी सहीटा जहाँ को आम क्लासिकाल मेथड भी कह। तो क्लासिकाल ऑप्शन दे तो ओल्ड मार जदि ओल्ड जदि क्लासिकाल देता क्लासिकाल मारी था क्लासिकाल देनी ऑप्शन ओल्ड दे तो ओल्ड मार। ग्रामर ट्रांसलेसन मेथड हूँ आमर ओल्ड मेथड बा क्लासिकाल मेथड। तो ऑप्शन नंबर बी हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही लिसनिंग इज
एन डैश प्रोसेस लिसनिंगटा कौ प्रोसेस से पचार एक्टिव ना पैसिव ना इनएक्टिव ना नॉन ऑफ द अबव तो देखु एग्जाम पे इंपोर्टेंट क्वेश्चन यही भाई आपको मोडिफाई कर पचारूँ तो लिसनिंगटा गोटे कौ प्रकार प्रोसेस लिसनिंग हूँ कौन ना पैसिव प्रोसेस कहीं पैसिव है देखु आप चार एल एस आर आउ डब्ल्यू चार्टा स्किल अच्छी लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग से भितर आपर लिसनिंग आउ रीड ए दुटा हूँ आपर कौन ना रिसेप्टिव स्किल रिसेप्टिव स्किल कहीं आम रिसीव अंडरस्टैंडिंग रीडिंग रीडिंग करने द्वारा अंडरस्टैंड होटा गोटे आमर गोटे वार्ड बा गोटे सेंटेंस प्रोडक्ट कर पारे एगुड़ाक आम पैसिव स्किल एगुड़ाक पैसिव स्किल पैसिव रे जा आउ आमर स्पीकिंग आउ राइटिंग ए दुटा आपण मानक प्रोडक्टिव स्किल जहाँ को आम एक्टिव स्किल कहीथाउ तो ये आप बुझीपारे जे लिसनिंगटा लिसनिंग सहित आप रीडिंग ए दुटा मन रखुद ये लिसनिंग बेले बेले मे भी आप रीडिंग देपे तो लिसनिंग रीडिंग आमर ए दुटा आमर रिसेप्टिव स्किल जहाँकि पैसिव रे पैसिव प्रोसेस अटे पैसिव ऑप्शन नंबर बी हूँ करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन रही द सॉफ्ट स्किल्स ऑफ डैश इज स्किमिंग तो स्किमिंगटा कहार सॉफ्ट स्किल से पचारी रीडिंग रो राइटिंग रो लिसनिंग रो ना स्पीकिंग रो तो आपर सब सॉफ्ट स्किल पचार तो ये आपर स्किमिंगटा हो रीडिंग रो सॉफ्ट स्किल अटे रीडिंग रो सॉफ्ट स्किल हूँ स्किमिंग एंड स्कैनिंग एस एन एन आई एन जी तो एग्जाम पचारि पारे स्किमिंग बदल रे स्कैनिंग दे थिबो तो सेठी कन्फ्यूज हेबेनी आमर स्किमिंग आउ स्कैनिंग ए दुटा जाक होची रीडिंग रो सॉफ्ट स्किल नेक्स्ट क्वेश्चन रही नोवेल रीडिंग इज डैश आमे नोवेल माने उपन्यास ओडियार आमर उपन्यास कहा जाउची उपन्यास आउ आमे लाइब्रेरी पढ़ जाउचंती ए सब आपण मानकर कॉमिक्स कार्टून्स ए सब पढ़ुचंती एउडा आमर को प्रकार रीडिंग रे जाउची से पचारिची स्किमिंग स्कैनिंग इंटेंसिव रीडिंग ना एक्सटेंसिव रीडिंग तो देखंतु नोबेल आमे जो उपन्यास पढ़ुचंती गल्प पढ़ुचंती आमे केवल माने आम आनंद पई बा प्लेजर पई आमे पढ़ुचंती आनंद पई बा प्लेजर पर आम पढ़ुं तो सीटा आम एक्सटेंसिव रीडिंग रे जाउछि एक्सटेंसिव रीडिंग रे जाउछि नेक्स्ट क्वेश्चन रही आपण मानकर डायरेक्ट मेथड इज ऑल्सो नोन एज डायरेक्ट मेथड को आउ कौन कह जाए से पचारिछि नेचुरल मेथड इनडायरेक्ट अप्रोच इंडक्टिव अप्रोच ना ऑल ऑफ द अबव तो डायरेक्ट मेथड इज ऑल्सो नोन एज नेचुरल मेथड ऑप्शन नंबर ए होची करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन रही इन इंडिया इंग्लिश इज मोस्टली प्रैक्टिस्ड एज आमर भारत रे इंग्लिशटा मोस्टली को भाषा भाव आम व्यवहार करचारि थर्ड लैंग्वेज सेकेंड लैंग्वेज फास्ट ना न्यू लैंग्वेज से पचारि तो देखु इंडिया रे इंग्लिश लैंग्वेजा को मैक्सिमम सेकेंड लैंग्वेज हिसाब से व्यवहार करुछंती मैक्सिमम सेकेंड लैंग्वेज हिसाब से व्यवहार करा जाए तो ऑप्शन नंबर सेकेंड होची करेक्ट आंसर नेक्स्ट रही नॉन डिटेल टेक्स्ट डेवलप डैश नॉन डिटेल टेक्स्ट द्वारा कौन डेवलप होची इंटेंसिव एक्सटेंसिव ना क्रिटिकल ना स्लो रीडिंग तो देखो नॉन डिटेल टेक्स्ट गुड़ाक आपर एक्सटेंसिव रीडिंग रे जाउची आउ डिटेल्स पढ़ुंट टेक्निक पढ़ुंट से इंटेंसिव रीडिंग रे जाउची तो नॉन डिटेल टेक्स्ट आमर एक्सटेंसिव रीडिंग रे जाउची ऑप्शन नंबर बी होची करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन रही ए क्लासरूम वेर ऑल टाइप ऑफ लर्नर्स स्टडी टुगेदर इज ऑल्सो नोन एज तो गोटे क्लासरूम रे सबू टाइप रो शिक्षार्थी माने माने रेगुलर रेगुलर माने नॉर्मल नॉर्मल स्टूडेंट माने ता से तो भिन्नक्षम स्टूडेंट सब मिसिकी पढ़ुचंती गोटे स्कूल रे एका साथी रे गोटे क्लासरूम पढ़ुचंती सेटा कौन कह जाए सेटा कौन कह जीवो रेगुलर क्लासरूम ना स्पेशल क्लासरूम ना इनक्लूसिव ना मेन स्ट्रीम क्लासरूम तो देखंतु जो क्लासरूम रे समस्त आमर नॉर्मल पिला माने ता सहित भिन्नक्षम पिला माने स्पेशल नीड पिला माने सब मिसिकी गोटे क्लासरूम रे एका पढ़ु एकाठी पढ़ुंट से कह जाए इनक्लूसिव क्लासरूम कह जाए इनक्लूसिव क्लासरूम कह जाए ऑप्शन नंबर सी होची करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन रही रीडिंग फॉर एंजॉयमेंट एंड प्लेजर रेफर टू
तो आम एंजयमेंट एवं प्लेजर पर आम पढ़ुंस कौन रेफर करूर्व कहली तो जो जिनस गुड़ा आम एंजयमेंट प्लेजर पर पढ़ुं आम उपन्यास नोबेल पढ़ुं आम लाइब्रेरी जाऊँगी लाइब्रेरी जेको गल्प बही पढ़ुं कमिक्स कार्टुन्स पढ़ुं युवा आम आनंद आमोदपाई पढ़ुं तो युवा आमर कौन जी एक्सटेनसीव रिडिंग एक्सटेनसीव रिडिंग आउ इंटेनसीव रिडिंग कौन होना जेको जिनस डिटेल पढ़ुं आम डीपली पढ़ुं सीटा आम टेक्स्ट बुक तार एग्जांपल हूँ टेक्स्ट बुक गोटे आम इंटेनसीव रिडिंग जाऊँगी तो आपने एंजॉय प्लेजर पर पढ़ुं सीटा हूँ एक्सटेनसीव रिडिंग आउ जो डीपली डिटेल पढ़ुं सीटा हूँ इंटेनसीव रिडिंग तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा नेक्स्ट क्वेश्चन रही है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द सॉफ्ट स्किल ऑफ स्पीकिंग तो विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द सॉफ्ट स्किल ऑफ स्पीकिंग तो स्पीकिंग रे सॉफ्ट स्किल कोटा नुहे से पचार छि स्पीकिंग रो सॉफ्ट स्किल कोटा नुहे से पचार छि तो देखो चार ऑप्शन रही आप मानकर फ्लुएंसी रही क्लैरिटी रही प्रोनाउंसिएशन रही स्कीमिंग रही स्कीमिंग रही तो देखो या पूर्व आप कहली कौन थी ना आपँ कही रिडिंग सॉफ्ट स्किल कही तो आपटा मन रखी ये आप आराम से दे पारे आंसर तो देखो स्कीमिंग आउ स्कैनिंग स्कीमिंग आउ स्कैनिंग स्कैनिंग ए दुटा आपर मुझे स्कीमिंग एंड स्कैनिंग हूँ रिडिंग सॉफ्ट स्किल यहाँ स्पीकिंग सॉफ्ट स्किल नुहे तो ऑप्शन नंबर डी हो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी स्कीमिंग इज डज नॉट कम अंडर द सॉफ्ट स्किल ऑफ स्पीकिंग बाकी फ्लुएंसी क्लैरिटी प्रोनाउंसिएशन ए तीन टा जाको स्पीकिंग रो सॉफ्ट स्किल अटे आ स्कीमिंग स्कैनिंग होची रीडिंग रो सॉफ्ट स्किल मन रखंतु एग्जाम रे आप मानकर या उपरे निश्चित रूपे आसीबो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा द फास्ट स्किल रिक्वायर्ड फॉर लर्निंग ए लैंग्वेज इज तो आमर से पचार फास्ट स्किल रिक्वायर्ड लर्निंग ए लैंग्वेज गोटे भाषा शिखापी प्रथम को स्किलटा शिखा आवश्यक अटे रीडिंग ना राइटिंग ना लिसनिंग ना स्पीकिंग से पचार तो देखो ये आमर करेक्ट आंसर हो कौन ना ये आम करेक्ट आंसर हो प्रॉब्लम हो गला मोबाइल तो ये मोबाइल मोर टे प्रॉब्लम अच्छी तो से जो सॉरी तो ये आपसे पचारे आमर लैंग्वेज शिखापी जेको भाषा शिखापी प्रथम स्किल कोटा आवश्यक अटे प्रथम आमर एल एस आर डब्ल्यू रे आपण मानकर कोटा आसुची ना लिसनिंग आसुची तो प्रथम लिसनिंगटा लिसनिंग स्किलटा शिखा निहाती आवश्यक अटे लैंग्वेज शिखापी ऑप्शन नंबर सी होची करेक्ट आंसर तो एक्चुअली मोबाइल टे प्रॉब्लम रोचे से जो आज टे प्रॉब्लम अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन रही है लर्निंग इंग्लिश इन इंडिया इज इम्पोर्टेंट बिकज तो आमर इंडिया रे इंग्लिश आम शिखुंट कौन शिखुं तार इम्पोर्टेन्स कौन से पचार आम इंग्लिश शिखुं से पचार तो ये आम चार ऑप्शन रही इट इज टॉट इन ऑल इंग्लिश मीडियम स्कूल इट इज द लैंग्वेज ऑफ आवर पावर कॉलोनाइजर इट इज ए फॉरेन लैंग्वेज इट इज ए लिंक लैंग्वेज इन ए मल्टीलिंग्वेज लिंगुआल कंट्रीज तो टे मोबाइल टी प्रॉब्लम अच्छी तो ये आम करेक्ट आंसर हो कौन ना इट इज ए लिंक लैंग्वेज इन ए मल्टीलिंग्वल कंट्री तो ऑप्शन नंबर डी होची करेक्ट आंसर नेक्स्ट रही आप द फोर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड वेर इंग्लिश इज ए मदर टंग तो चारिटा जो चारिटा ऑप्शन रही है ये कौ ऑप्शन रे इंग्लिश से मानकर मदर टंग अटे से पचार
यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, रशिया। तो देखु ये आपर जापान रे जापानीज भाषा अच्छी, यहाँ हमें आमर मदर टंग, चाइना रे चाइनीज भाषा अच्छी, रशिया रशियन लांगुएज अच्छी मदर टंग। तो आमर कौटी ना कानाडा रे इंग्लिश मदर टंग, ऑस्ट्रेलिया रे आउ अमेरिका रे एवं आमर यूनाइटेड किंगडम जहाँ आम इंग्लैंड कौन बा ब्रिटेन कौन से। तो ये चार्टा देश में आम इंग्लिश को सेने मदर टंग मातृभाषा रूप व्यवहार करती। तो ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए एंड ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा। नेक्स्ट रही है आप आवर कॉन्स्टिट्यूशन रेकमेंड्स इंग्लिश एज डेस। तो आमर संविधान इंग्लिश भाषा को कौ भाया रेकमेंड करुच्छे से पचार ए कंपलसरी सब्जेक्ट इन एजुकेशन, एजुकेशन कंपलसरी सब्जेक्ट ना ए लैंग्वेज ऑन ए लैंग्वेज ऑफ एडमिशन ना एन एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज ना ए लिंगुआ फ्रांका। तो देखु आमर कॉन्स्टिट्यूशन रे इंग्लिश लैंग्वेज को एन एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज रूपे रेकमेंड करुच्छी। तो ऑप्शन नंबर सी हूँ करेक्ट आंसर, एन एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन रही आप रही व्हेन यंग लर्नर से पचार व्हेन यंग लर्नर्स सीम टू लॉस इंटरेस्ट इन ए लेसन द टीचर शुड डैश। तो से कही जिते छोटिया पिला गुड़ाक पाठ पढ़ला बेले से माने इंटरेस्ट दौना पाठ पढ़ा प्रति लेसन प्रति इंटरेस्ट दौना ताल टीचर कौन करेंगे तुम्हें टीचर हबो तो पिला माने जदि पढ़ापे इंटरेस्ट दौना ताल तुम्हें कौन करेंगे सेठी आलो देम गो टू गो आउट एंड प्ले मैंने से मैं बाहर पठेदेव तुम बाहर को जाओ एवं खेल कह खेलिया कह ना आस्क देम टू स्लीप फॉर ए व्हाइल किसी समय पर तुम सोई पड़ो बोली कह ना टेल देम ए स्टोरी ताको स्टोरी सुनेब ना आस्क हिम सिट क्वाइटली फॉर सम टाइम्स किसी समय पर तुम चुपचाप बसी पड़ बोली कह। तो जदि पाने पढ़िया पे इंटरेस्ट नहीं ताहले सेते बेले तुम कौन कर टीचर हिसाब से स्टोरी सुने छोट छुआ मानू स्टोरी गप आम सुने इंटरेस्टिंग लगुच पढ़ाप। तो गप द्वारा तांकर इंटरेस्टा को आम बढ़ेबा ताद्वारा आम अन्य किसी पढ़े से इंटरेस्ट पढ़े। तो ऑप्शन नंबर सी हूँ करेक्ट आंसर, टेल देम ए स्टोरी। तो लास्ट क्वेश्चन रही आज लास्ट क्वेश्चन, ह्वाट इज द स्टेटस गिवेन टू इंग्लिश बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये क्वेश्चन आउ टे मोडिफाई करी पचार से कही आम भारतीय संविधान रे इंग्लिश को कौन भाव रे स्टेटस दि जाए कौन भाव मान्यता दि जाए नेशनल लैंग्वेज भाव रे ना लिंक लैंग्वेज ना ऑफिशियल लैंग्वेज ना एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज। तो ये आम कौन हम ना एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज भाव आमर भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंग्लिश को एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज भाव स्टेटस मान्यता दे। तो फ्रेंड्स एथरे आम डिस्कशन कले टोटल 20 क्वेश्चन डिस्कशन कले समस्त क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पाई। तो आप आउट ऑफ 20 केते स्कोर रखिंट कमेंट बॉक्स रे निहाती भावे जनइबे। जदि भिडियो भल लगे ताहले निहाती गोटाए लाइक करिबे एवं अधिकारू अधिका मात्रा रे कृपया सांगसाथी मानकू शेयर करिबे। तो फ्रेंड्स जय हिंद जय जगन्नाथ।